औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान, एडवोकेट। और दोस्तों, फैसलाबाद में एक बहुत ही अजीब और गरीब वाक़िया रुनुमा हुआ है कि जिसमें एक दुकानदार है, एक दुकान है, इलेक्ट्रिक स्टोर है, वहाँ पर चंद खवातीन ज़बरदस्ती घुस जाती हैं और दुकानदार को ज़ोर-ज़ोर करती हैं और वहाँ पर चोरी करने की कोशिश करती हैं। और जब दुकानदार उन्हें रोक नहीं पाता, जब उसके वो कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम हुआ, तो दुकानदार दुकान से बाहर निकला और उसने अपना दुकान का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया। अज़ामबाद उन ख़वातीन ने धक्का दे के दुकान से वो बाहर निकली और इसी इसना में एक खातून को जो उस दुकानदार ने पकड़ लिया, ज़ोर-ज़ोर करना शुरू कर दिया और रोकना शुरू कर दिया। और साथ वो अपने साथी दुकानदारों को उस शहर के जो सामने उस स्ट्रीट में दुकानदार मजीद थे, उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा है। चंद लोग वहाँ पर इकट्ठे भी हो गए और इस तरह उस खातून ने जब उसे तशद्दुद कर रहे थे, वो उसे रोक रहे थे, और इसी असना में उस खातून ने अपने कपड़े उतार दिए, उसने अपने आप को बराना कर दिया। जो दीगर उसकी साथी खवातीन जो भाग रही थी वो भी वापस आ गई और उन्होंने भी अपने आप को बराना कर दिया। और ये बहुत ही अजीब और गरीब तमाशा वहाँ पर बन गया। और इस पर एक तरफ तो पूरी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, लोग कह रहे हैं जी खवातीन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें बराना किया गया, उनकी इज्जत उछाली गई, उन्हें हरासा किया गया, उनकी इफ़त में खलल डाला गया। तो वो बात अपनी जगह दुरुस्त नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सीसीटीवी की फ़ोटेज देखें हम, तो उस पर आप देख सकते हैं, उसे मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि बाकायदे किसी ख़वातीन ने अंदर हमला करके वहाँ से चीज़ें चुराने की कोशिश की या रकम हथियाने की कोशिश की, और बाकायदा वहाँ से जब भाग रही हैं उन्हें पकड़ा गया। तो दुकानदार बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता, उसने ज़ाहिर है उसके अंदर से वो चोरी की गई और उसने रोका ख़वातीन को चोर समझ के। तो उसका अपनी जगह पर मौक़िफ़ ठीक है, उसका अपनी जगह पर जो कोशिश है वो भी दुरुस्त नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें ख़वातीन की प्रोटेक्शन की बात करें, तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। पिछले अब इस वक्त जो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ख़वातीन के जो आलमी दिन चल रहे हैं, 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म यानी सिनफी तशद्दुद के ख़िलाफ़ 16 दिन, पिछले दो हफ्तों से हम मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर जाके ख़वातीन की राइट्स की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वो हम राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ख़वातीन उसे मिसयूज़ कर रही हैं। और यहाँ में ये देखना होगा कि क्या जो इस तरह की डकैत टाइप ख़वातीन हैं, जो कि क्राइम में मुलव्वस ख़वातीन हैं, जो इस वक्त बड़े बड़े जुराम में जुराम के ग्रोहों के साथ मिली हुई हैं, क्या वो भी इसमें आती हैं? तो हमें ये देखना होगा कि ख़वातीन तो वो ज़रूर हैं, उनकी राइट्स भी हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी हमें करनी होगी, लेकिन जो ख़तरनाक इस तरह की मुजरमाना ज़हनीत की ख़वातीन हैं, जो करोड़ों में चंद हैं, हम सब की ख़वातीन की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ों में चंद ख़वातीन ऐसी भी हैं जो मुजरमाना गफलत कर रही हैं, जो कि इन जुराम की दलदल में घुस गई हैं, जो कि इस तरह की वाक़ियात में मुलव्वस हैं, जो कि डकैतियाँ कर रही हैं, जो कि बाकायदे से हराबे में मुलव्वस हैं। और इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग करना पड़ेगा और इसमें कानून को हरकत में आना होगा, हमारे कानून आफिस करने वाले इदारों को इन चीज़ों का तदारक करना होगा कि क्या इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ हम किस तरीके से हम इन्हें रोकें। तो हम यहाँ पे एबटाबाद शहर में भी देखते हैं कि जब जून ही अप्रैल और मई का महीना शुरू होता है, तो पंजाब से, जनूबी पंजाब से ख़वातीन यहाँ पे आती हैं मांगने के बहाने में, यहाँ पर मुख्तलिफ धंधे होते हैं और क्या कुछ वो नहीं कर रही होती, लोगों को वो तंग कर रही होती हैं, यहाँ पर चोरियाँ डकैतियाँ कर रही होती हैं, तो वो भी ख़वातीन हैं। और दूसरी तरफ जो पर्दा नशीन लेडीज़ हैं, हमारी बाइज़्ज़त लेडीज़ हैं, जो कि पर्दे में रहती हैं, जो अपने काम अपने सरंजाम दे रही हैं, जो वर्किंग वेमेंस हैं, तो उनकी राइट्स की बात भी हम कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने बहसीती मजबूरी राइट्स की बात करनी है, लेकिन यह कि यहां पे देखना होगा कि जो इस तरह के क्राइम टाइप लोग हैं, जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं, जो क्राइम में मुलव्वस लोग हैं, जो कि जुराइम में मुलव्वस हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें भी हमने रोकना है। तो बहरहाल इस पर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज देखी जा सकती है, उसमें तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं बाकायदगी से। और इस पर CPO फैसलाबाद ने इस पर एक्शन भी लिया और इन खवातीन ने जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई और ये कहा कि जी हम कागज़ चुनने के बहाने गई थी। तो क्या कागज़ दुकानों के अंदर चुने जाते हैं? क्या इस तरह ज़बरदस्ती हमला करके चीज़ें छीनते हुए, जम लगाते हुए आप कागज़ चुनेंगी? तो बहरहाल ये वहाँ पे क्लियर कट लग रहा है, ये ख़वातीन जो है क्रिमिनल ख़वातीन थी, इन्होंने जुर्म करने की गर्ज़ से, चोरी करने की गर्ज़ से इस दुकान में दाखिल हुई थी। बहरहाल यहाँ पे कुछ गफलत भी हुई है, उसमें गफलत ये हुई है कि आप जब आप उन ख़वातीन को पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, तो आप हरगिज़ ख़ुद उन्हें हाथ न लगाते, आप पुलिस को बुलाते, आप वहाँ पे साइड पे असार बना के खड़े हो जाते, उन्हें आप रोकते, लेकिन उन पर आप तशद्दुद ना करते, उन्हें आप हरासा ना करते, उनके आप कपड़े ख़ुद उन्हें हाथ न लगाते। ये यहाँ पे गलती ज़रूर हुई है, इस पे हम कंडेम करते हैं, लेकिन आइंदा के लिए अगर आपकी किसी भी दुकान में, किसी भी घर में इस तरह की क्रिमिनल ख़वातीन अगर घुस जाएँ, तो उन्हें बड़े तरीके से आप रोकें। और एक दुकानदार जो इस शख्स ने वहाँ पर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, ये इसे हम अप्रिशिएट करते हैं।
उसने ठीक किया। उसके पास वाहिद एक रास्ता था कि दुकान को बंद करता, इन्हें अंदर रोकता ताकि पुलिस के आने तक इन्हें रोका जा सकता। तो इलीगल कन्फाइनमेंट ये नहीं बनती। लोग कह रहे हैं जी अब से बिजा में रखा गया, इलीगल कन्फाइनमेंट है, लेकिन ये अर्गिज इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं है। ये जुर्म के लिए वो खवातीन दाखिल हुई थी जुर्म करने के लिए, उन्हें उस वक्त जो उसके जहन में आ रहा था वो यही था कि उन्हें रोका जाए, क्योंकि वो अकेले में उसने नहीं किसी को बिठा के रखा या कोई ऐसी को बात की हो या कोई ऐसी हरासमेंट की हो। तो जो देखने में लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये खवातीन चोरी की गर्ज से वहाँ पर दाखिल हुई हैं। तो बहरहाल हमने बात खवातीन की प्रोटेक्शन करनी है, हमने वो अपनी जदोजहद जारी रखनी है। जो भी बहन बेटियाँ हैं वो हमारी बहन बेटियाँ हैं, हमने पूरी दुनिया की बहन बेटियों का ख्याल रखना है। हमने अर्गिज़ कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि इंसानों के तहफ़ के ख़िलाफ़ हो, और कोई ऐसा काम नहीं करना जो मावरा कानून हो। हमने कानून की पासदारी करनी है, हमने कानून के मुताबिक लोगों को डील करना है, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करनी है, लोगों की प्रोटेक्शन की बात करनी है ताकि पूरी दुनिया में अमन आ सके। बहरहाल इस जो वाक्य जो हुए इसे हम कंडेम करते हैं। बहरहाल जो भी इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं उन पर हमें हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों को प्रॉपर तरीके से हाथ डालना चाहिए और किसी भी सूरत किसी भी मुजरम को छोड़ना नहीं चाहिए।